और सेकंड बात, दूसरी बात, वी पॉइंट का पोटेंशियल बताया है और नेगेटिव चार्ज है, वी पॉइंट का पोटेंशियल और नेगेटिव चार्ज, राइट? तो नेगेटिव चार्ज किधर को किधर से मूव करते बेटे हैं? बोलो, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब इसने नेगेटिव चार्ज को रिलीज करा फ्रॉम ए पॉइंट अलोंग द लाइन ए बी, राइट? और ये बताया ही नहीं चार्ज किधर को किधर से जा रहा है, राइट? तो आप इसको ऐसे बोलो, फ्रॉम ए टू बी, इसमें डायरेक्शन ऐड कर लो फर्स्ट क्वेश्चन, चार्ज मूव्स फ्रॉम ए टू बी। अगर नेगेटिव चार्ज बेटे, अगर नेगेटिव चार्ज ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, तो बताओ किसका पोटेंशियल हायर होगा, ए का या बी का? बी बी का हायर होगा। तो बी का हायर होगा, कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए? 15 वोल्ट से ज्यादा कौन सी ऑप्शन है? सी सी ऑप्शन, बिल्कुल सही। तो लिख दो फिर आप, शाबाश। इस क्वेश्चन में डायरेक्शन लिख देना, नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम ए टू बी। सर प्लीज रिपीट। जो यहां पर लिखा है ना, फर्स्ट लाइन की लैंग्वेज ठीक कर दो। ए नेगेटिव चार्ज रिलीज्ड फ्रॉम ए पॉइंट मूव्स ए टू बी अलोंग द लाइन ए बी। मूव्स के बाद क्या वर्ड फिट करना है? ए टू बी। अगर ए टू बी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज टीचर ने सिखाया है हमेशा लोअर से हायर की तरफ जाता है। हाँ, सर प्लीज रिपीट इट अगेन। कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूं। इधर देख लो, अगर हायर पोटेंशियल हो किसी पॉइंट का, इसको हम ऊंचा रखते हैं, लोअर पोटेंशियल को नीचा कर देते हैं, ठीक है बेटे? हायर टू लोअर, तो हायर टू लोअर जो जाता है ना, हमेशा याद रखना, वो पॉजिटिव चार्ज जाता है, पॉजिटिव उधर को जाता है, गॉट इट? और लोअर से हायर जाता है हमेशा कौन सा? नेगेटिव, गॉट इट? बस इतना फार्मूला याद रखना है। अब हमारे क्वेश्चन को इससे लिंक करके दिखाता हूं। हमें उसने बोला है कि ए से लेकर बी की तरफ चार्ज जा रहा है, वो भी नेगेटिव। अब टीचर ने सिखाया था नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर की तरफ जाता है, तो अगर ए का पोटेंशियल 15 वोल्ट है बेटे, तो बी का पोटेंशियल हायर होना चाहिए ना 15 से। तो 15 से हायर ए की ऑप्शन पड़ी है, देखो 15 से हायर ए की ऑप्शन पड़ी है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया? 20 वोल्ट। समझ आया या नहीं? यस सर। उसको भूल जाओ अगर वो नहीं समझ आया, इसको देख लो अब, ठीक है? बोलो ये। यस ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नो प्लस और माइनस साइन इज मार्क्ड, बताओ। रजिस्टर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रजिस्टर के ऊपर प्लस और माइनस का साइन कभी नहीं होता, इधर और इधर कुछ नहीं होता रजिस्टर, बाकी तीनों पे होता है, एमीटर, वोल्ट मीटर, सेल पे, तीनों पे प्लस और माइनस लिखा होता है। कोई बच्चा बताएगा ये किसका सिंबल है? बैटरी बैटरी सर सेल बोलना है बेटे, बैटरी तो तब बोलना है मैं जब एक से ज्यादा कर दूं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। ओके, कोई बच्चा ये बताएगा ये किसका सिंबल है? वेरिएबल वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको आपने, वेरिएबल रजिस्टर अगर हो तो इसको बोलो वेरिएबल रजिस्टर, ये वेरिएबल रजिस्टर, और इसको बोलते हैं रियोस्टेट, होता ये भी वेरिएबल रजिस्टर ही है, थोड़ी हाई पावर का होता है, रियोस्टेट। ओके, शाबाश, ये थोड़े से सिंबल आपको जरूर पता होने चाहिए। ये किसका सिंबल है? वोल्ट वोल्ट मीटर मीटर। ये किसका है? ये वाला एमीटर एमीटर, बिल्कुल सही। ये वाला ओहम ओम मीटर, ओम मीटर होता है, ठीक है?
चलो बाकी आगे चलते हैं। द करंट इन द वायर डिपेंड्स अपॉन, कौन कौन सी चीजों पे करंट डिपेंड करेगा बताओ। शाबाश, पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। तो एक बच्चा बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस, तो मैं उसको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनो बेटे, एक वायर में करंट जा रहा है तो सभी बच्चों को पता है कि सर जब हम ना पॉजिटिव नेगेटिव ये लगाते हुए ओम्स लॉ लगाते हैं ना, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आपका देखो ये जो करंट है ना ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस दोनों पे डिपेंड हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप इसमें आंसर क्या लिखोगे, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए ऑन बोथ ऑफ देम। कौन सा ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन का, ओके बी ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर ओमिक रेजिस्टेंस ग्राफ, एनीबॉडी? हैं? ए? नहीं बेटे नहीं, हाँ सर ओमिक रेजिस्टेंस होते ही वो है डेफिनेशन में जिनमें वोल्टेज और करंट में लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ आए। लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो तो ही इसको ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, ये याद रखना है। और एक ग्राफ इसमें ऐसे भी दे रखा है, देखो ये ऐसे भी दिया हुआ, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियरली फॉलिंग है, ये नहीं लेना आपने, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसे पता लगा, ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या थी, द करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इफ रेजिस्टेंस इज केप्ट कांस्टेंट। तो अगले स्टेप में हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये लिखते हैं और उसके बाद आर को ऊपर ले चलते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ बनता है। तो जब भी दो पैरामीटर स्टेट प्रोपोर्शनैलिटी से लिंक्ड हो तो उसका मतलब होता है एक पैरामीटर के बढ़ने से दूसरा बढ़े, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग। ठीक है, तो ये हो गया बेटे। फोर्थ क्वेश्चन, द करंट इन द वायर इज 900 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग इन 10 मिनट्स। करंट पूछ रहा है बेटे क्वेश्चन नंबर 5 में, करंट क्या क्या दिया हुआ है। मान लो मैं आपकी क्लास में हूं और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे करूं, लेकिन मेरे को इतना पूछा कि करंट पता पूछ रहा है, तो मैं कैसे करूंगा। ध्यान से सुनना, कमजोर बच्चा ध्यान से सुन लेना, क्लास में मैं दिए हुए डाटे का यूनिट देखूंगा, तो मैंने देखा उसका क्यूलम यूनिट दिया हुआ है और डाटा भी लिख दिया। यूनिट्स को देखकर मैंने सोचा क्या होता है, क्या होता है, क्लास में क्या कराया सर ने, तो मेरे को याद आया क्यूलम तो चार्ज का यूनिट होता है। फिर मैंने देखा उसने टाइम दिया हुआ है, टाइम 10 मिनट, तो मैंने सोचा ये मिनट किसका यूनिट होता है, मेरे को याद आया कि ये टाइम का यूनिट होता है। तो ऐसा कोई फार्मूला सोचो जो आस्क्ड सिंबल और गिवन सिंबल्स से लिंक्ड हो। तो बच्चे को अचानक याद आता है सर कराते थे करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो जैसे ही उसको डाटा पुट करने लगा अचानक उसने चेक करा क्या मैं ऐसा ही यूनिट में पुट कर रहा हूँ इंटरनेशनल, तो उसको आता है हाँ जी क्यूलम तो ऐसा ही यूनिट है, लेकिन टाइम की गड़बड़ कर रखी है उसने जानबूझकर। टाइम की ऐसा ही यूनिट मिनट होती है या आर होती है, सेकेंड। सेकंड होती है, ये बनी बात। देखो टीचर आपको तंग कर रहा है, उसने बोला मिनट होती है कि आर होती है, मैंने सही ऑप्शन ही नहीं बोला, फिर भी इस गुड़िया ने कितना अच्छा आंसर दिया कि सर सेकंड होती है, सेकंड। तो 10 मिनट इंटू 60 करना पड़ेगा, 600 तो 1.5 एम्पियर आई, कैलकुलेशन। ओके, कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? क्वेश्चन सी नंबर 5 का सारे बच्चे सी ऑप्शन टिक करेंगे। ओके, सो अभी 5 क्वेश्चंस का सेट आया, टीचर आपसे पूछेगा, अगर आपको सारे क्लियर हो गए 5 के 5 जब मैं पूछूंगा तो आप जोर से राइट हैंड खड़ा कर बोलोगे यस सर, अगर नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड खड़ा करोगे प्लीज प्लीज।
ओके कलेक्टिवली हैव यू अंडरस्टूड ऑल द 5 क्वेश्चंस बेटे? यस भी बोलो साथ में ऐसे लाइक दिस. यस यस वेरी नाइस वेरी नाइस. इसका मतलब है टीचर को फीडबैक मिली कि वो आगे बढ़ सकता है. क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करो बच्चे. क्वेश्चन नंबर 6 शाबाश. क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करो. क्वेश्चन 6. When a 4 volt battery is connected across unknown resistance, there is a current of इतने milliampere. What is the value of resistance? कौन से फार्मूले से ये सॉल्व होएगा? उस फार्मूले का नाम क्या है? ओम्स लॉ. शाबाश. ओम्स लॉ से सॉल्व होएगा. और वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. सो हमने क्या निकाला? क्या रेजिस्टेंस सिंबॉलिकली सॉल्व करा करो. बहुत से बच्चे फार्मूले नहीं लिखता, डायरेक्ट डाटा लिखते हैं पेपर में. सीबीएसई की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उनको कोई मार्क्स ही नहीं देना जो बिना फार्मूले के डाटा लिखते हैं. जीरो मार्क्स देना है उनको, कहते हैं वो. तो ये 4 वोल्ट है और करंट को 100. बताओ टीचर ने इसमें एक मिस्टेक करी है जानबूझकर. कौन बच्चा इसको सही करेगा? सर यूनिट मिली एम्पियर में है. शाबाश. वोल्टेज तो ठीक है 4 वोल्ट, लेकिन करंट टीचर ने मिली एम्पियर में कन्वर्ट लिखा हुआ है, उसको एम्पियर में कन्वर्ट नहीं करा. सो इट शुड बी 100 इंटू 10 माइनस 3. बिल्कुल सही. सो ये बन गया सॉल्व करके 0.4 ओम. 0.4 ओम. व्हाट इज द ऑप्शन? व्हाट इज द ऑप्शन बेटे? सर एक्चुअली यू हैव कैलकुलेटेड रॉन्ग. क्यों? मिली एम्पियर 10^-3 हो गया. So 10^-3 will go to the numerator side and it will become 10^-3. हाँ 10^3 बन जाएगा. ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 40 बनेगा. सॉरी ठीक कह रही है. 40 ओम बेटे. ठीक है शाबाश. 40 ओम आएगा. वेरी नाइस. तो लेयरली टीचर देखो, टीचर हल्का सा ध्यान भटका, कैलकुलेशन से गलत हो गया था. आपने ख्याल रखना है. क्वेश्चन नंबर 7. फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन द मेन इन सम कंट्रीज इज 60 हर्ट्ज. शाबाश. क्वेश्चन नंबर 7. कितना फ्रीक्वेंसी? 60 हर्ट्ज. हमारे भारत में कितना है? भारत में एसी सप्लाई का कितना फ्रीक्वेंसी है? 22. ना बेटे, भारत में आपने 50 हर्ट्ज बोलना है. 50. और 60 कहां पर है? जापान में. ओके तो 60 हर्ट्ज सप्लाई है. इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना. इसका मतलब ये देखो, ये मैं फिगर बना रहा है टीचर. एसी सप्लाई, ऊपर वाला साइकिल पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव. ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एसी सप्लाई ये होती है. अपर हाफ साइकिल पॉजिटिव, लोअर हाफ साइकिल नेगेटिव. और जहां तक टीचर ने लाइन लगाई है, ये वाला इतना हिस्सा यहां से लेकर यहां तक, इसको 1 साइकिल बोलते हैं. 1 साइकिल. अगर 1 साइकिल है ये, 1 साइकिल ये वाला, अगर ऐसे साइकिल सोर्स से 60 टाइम्स निकल जाए 1 सेकंड के अंदर अंदर, यहां पर अगर बिजली का सोर्स हो और वो कितने सेकंड निकाल साइकिल निकाल दे ऐसे 60 साइकल्स, कितनी देर में? 1 सेकंड में. तब उस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को 60 हर्ट्स बोला जाएगा. क्योंकि फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन ही क्या है? नंबर ऑफ साइकल्स पर सेकंड. ओके एसी सप्लाई के. अब लेकिन एक चीज देखो, 1 साइकिल के अंदर 2 बार वो चेंज करता है. एक यहां गया प्लस से माइनस, पॉजिटिव से नेगेटिव, एक नेगेटिव से पॉजिटिव गया. देखो 1 साइकिल के अंदर 2 बार चेंज करता है वो साइकिल. तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन देखो, करंट चेंजेस डायरेक्शन 120 टाइम्स इन ए सेकेंड. क्लियर है? 7th का बी ऑप्शन कैसे क्लियर हुआ समझ आया आपको? क्योंकि
एक साइकिल के अंदर देखो, यहां से यहां तक देखो, ये शुरू वाला नहीं मानना, यहां तो शुरू ही हुआ है। तो एक साइकिल यहां से देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव आया और यहां खत्म होते हुए नेगेटिव से पॉजिटिव गया, तो पर साइकिल 2 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 120 टाइम्स करंट जो है चेंज करेगा। इसका मतलब है 7th का बी ऑप्शन, ठीक है। और एक बात याद रखनी है, पेपर में अगर किसी क्वेश्चन में उसने ऐसे बोल दिया, पेपर में एडिशनल नॉलेज मेंस मेंस बोल दिया, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो मेंस बोल दे और कोई डाटा ही ना दे, कुछ भी डाटा ना दे, तो आपने चुपचाप वोल्टेज 220 वोल्ट लिख लेनी है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स। ये इसका मतलब होता है भारत में, हमारे देश में इतना होता है ये फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज। नोट कर लो, किसी को ना पता हो, व्हाट इज मेंस इन भारत, 220 वोल्ट 50 हर्ट्स। यानी अगर यही क्वेश्चन भारत के लिए आता तो इसका आंसर 50 × 2 100 होता। फिर क्वेश्चन नंबर 8 बेटे, ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन 16 सेकेंड्स वुड बी हाउ मच, ये बताओ भाई। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये तो, ये क्वेश्चन अगर कोई करेगा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। स्टार लगा लो, 8th क्वेश्चन पे स्टार लगाओगे, 8th क्वेश्चन पे स्टार लगाओगे। 10 raised to power 20। देखते हैं, करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ओके, टाइम इज इक्वल टू 16 सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इतनी बात तो सभी को पता ही है कि करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां से हम चार्ज निकाल लेंगे, हाउ मच, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। लेकिन आपको यह भी पता है कि चार्ज का एक फार्मूला और भी होता है, कौन सा, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों चार्जेस के फार्मूले को इक्वेट कर देंगे, जैसे ही इनको इक्वेट करा तो एन ई इज इक्वल टू आई टी, तो हमें तो एन चाहिए, ई को नीचे ले जाएंगे, एन इज इक्वल टू आई टी अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब हम इसमें डाटा पुट करेंगे, डाटा पुट करेंगे, करंट 1 एम्पियर, करंट टाइम 16 सेकेंड, कोई बच्चा बताएगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10 raised to power −19। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, 1.6 × 10 to power −19। सो हम इसको पुट करेंगे यहां पर, ओके, तो आंसर क्या बनेगा, ये 19 गया ऊपर, प्लस का बन गया, और 16, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 10 नीचे आया, तो अल्टीमेटली 10 की पावर 18। बहुत ही बढ़िया, कौन सी गुड़िया ने जवाब दिया था, किसने बोला था ये सही आंसर इसका बेटे, व्हाट इज योर नेम, जैस्मीन जैस्मीन के लिए सभी बच्चे क्लैपिंग करेंगे प्लीज, जैस्मीन ने सॉल्व, गुड क्वेश्चन। क्लैपिंग ही नहीं कर रहे बेटे, एक बात याद, शाबाश। इन केस यू वांट टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ ट्राई टू अप्रिशिएट द, सर, यू हैव मेड अ मिस्टेक। यहां यहां यस, 10 rupees raised to about 20 है ना। 1 मिनट रुको, हाँ ये ऊपर, सॉरी सॉरी, ये वाला ऊपर जाएगा बेटे, यू आर राइट, 10 to power 20, ठीक है, लास्ट वाले स्टेप पे मामूली सी गलती होगी, 10 to 20। तो लेकिन फिर भी जो इस बच्चे ने आंसर बोला है ना, उसको मेथड पता था, जरूर पता था, क्यों बेटे, ऐसे ही करना था आपने सर, जैस्मीन, ऐसे ही करना था, यस, बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये डेसिमल वाला फिर मामूली सा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ बेटे, अब देखो ये आया, 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं,
तीनों में हमने बताना है कौन सा किसके बराबर है, बड़ा छोटा है, और साथ में ये हमें ग्राफ दे रखा है, इधर वोल्टेज है इधर करंट है, और इसमें लीनियरली राइजिंग ग्राफ दे रखे हैं, R1 का ये दे रखा है, R2 का, R3 का दे रखा है, लेकिन हम फिलहाल एक ही ग्राफ ड्रा करते हैं। ध्यान से सुनो, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा पहले क्वेश्चन से पहले। मान लो हमारे पास यही ग्राफ है, योर अटेंशन बेटे। अच्छा, दूर से पता नहीं लगता, लिंक तो नहीं टूट गया। सो जब मैं यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, देखो ध्यान से, ऐसे ड्रा करा, तो मान लो इतनी वोल्टेज को टीचर बोल देता है V0, और इतनी वोल्टेज, इतने करंट को बोल देता है I0। मान लो ऐसे मैंने बोल दिया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो ध्यान से, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल को मैं अलग से बना रहा हूं आपकी बेटर विजिबिलिटी के लिए। तो यहां 90 डिग्री, इस वाले को टीचर ने V0 लिखा, और आपको पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये बन गया I0। गॉट इट, यस और नो? अब अगर मैंने यहां पर बेटे एंगल बना लिया, ये इतना थीटा, थीटा एंगल, मैथ आएगा ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं आपसे टेन थीटा पूछूं तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन ओम्स लॉ के मुताबिक ये क्या बना, ये वी अपॉन आई है, याद रहे आई अपॉन वी नहीं है, वी अपॉन, सॉरी आई अपॉन वी है ये। ओम्स लॉ क्या था, ये पढ़ा ओम्स लॉ। अगर मैं यहां जीरो लिखूं, जीरो लिखूं, जीरो लिखूं और आई अपॉन वी लिखूं, तो इससे बनेगा क्या, आई नॉट अपॉन वी नॉट क्या बनेगा बेटे, 1/R0 बनेगा। ओके तो ये 1/R0 बना, इधर टेन थीटा। अब थोड़ा सा और, आर नॉट को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 1/10 थीटा इज इक्वल टू R0। गॉट इट? वैसे मैं बता देना चाहूंगा, टेन थीटा को मैथ की लैंग्वेज में स्लोप बोलते हैं, स्लोप। एनी हाउ, हमें ये पता लग गया कि ये जो थीटा टीचर ने यहां ड्रा करा, जितना ये थीटा बढ़ेगा, जितना ये बड़ा होएगा, उतना ये टेन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, और जितना डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज करती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये रेसिप्रोकली लिखे हुए हैं। ओके तो इतना क्वेश्चन करने के बाद अब पेपर में आ जाओ, जल्दी से जल्दी से क्वेश्चन को देखो। शाबाश, सभी बच्चे क्वेश्चन को देखेंगे। आई नीड मोर स्पेस, योर अटेंशन। इसी क्वेश्चन का बेस बनाते हुए हैं, मैंने तीनों ग्राफ दोबारा ड्रा करे। ये वाला R1 है, ये R2 है मेरा गर्ल डायग्राम में, यस, ये R3 है। अगर मैं इनके थीटे भी कॉरेस्पॉन्डिंगली लगा दूं, थीटा 3, थीटा 2 और थीटा 1, अब मेरे को बता दो कौन सा रेजिस्टेंस सबसे कम होएगा। देखो बेटे, जिस जिसमें थीटा सबसे बड़ा होएगा, यस और नो, उस जिसमें थीटा बड़ा होएगा, टेन थीटा बड़ा हो जाएगा और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। बताओ सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन सा आएगा। R1 वेरी गुड, R1 विल बी स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट कौन सा। R3 बस बन गई बात, यस और नो, बोलो ऑप्शन कौन सा बना। C तो ऑप्शन बन गया बेटे हमारा, R1 इज द बॉटम मोस्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाइन्थ क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, नाइन्थ क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, ये इसमें पेपर के आने के चांसेस है। नाइन्थ और एट्थ दो क्वेश्चन, अगर मैं या कोई और भी एक्सपीरियंस्ड टीचर क्वेश्चन पेपर बनाएगा, तो हम लोग एट्थ या नाइन्थ क्वेश्चन को जरूर डालेंगे। लेट्स मूव फर्दर, अजर्शन रीजन, टेंथ क्वेश्चन, प्लीज रीड इट।
assertion reason 10th question, please read it. शाबाश। 10th क्वेश्चन में बताइए, हमने assertion के बारे में बात करनी है, रीजन के बारे में, कौन सा सही कौन सा गलत। ऐसा ही यूनिट ऑफ करंट इज इट मिली एम्पियर, बोलो। फॉल्स। क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर होती है भाई, इसलिए assertion तो तुम्हारी गलत होगी, एम्पियर होती है सही यूनिट। रीजन पे चलते हैं। करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम, बोलो यस और नो। करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम, यस और नो, बोलो। यस यस। रीजंस, तो 10th क्वेश्चन में assertion इज रॉन्ग, रीजन इज अनदर स्टेटमेंट करेक्ट, ओके। और आपस में इनका कोई लिंक लुंक नहीं। तो ये था हमारा M1 मॉड्यूल ऑफ 10 क्वेश्चंस। टीचर एक बार फिर से मौका देता है आपको और पूछ भी रहा है साथ में, हैव यू अंडरस्टूड फर्स्ट 10 क्वेश्चंस बेटे, प्लीज रेज योर राइट हैंड विद यस। यस यस, वेरी नाइस। सो मेरे से ज्यादा थैंक्स, मेरे से बेटे, मेरे से ज्यादा थैंक्स उस टीचर का जाता है जिसने आपका बेस बनाया, अच्छे टीचर ने पढ़ाया हुआ है, आई प्रेज इट। ठीक है, सो हम जाएंगे सेकंड पे। मैं सोच रहा था कि मेरे को बेसिक बनाने में बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप लोगों ने मेरी हेल्प करी, बल्कि आपके टीचर ने हेल्प करी। लेट्स मूव टू द सेकंड मॉड्यूल M2, इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं पहले। शाबाश, टीचर थोड़ा सा आपको बताने लगा है। अगर किसी बच्चे को नया पॉइंट नोट करना पड़े तो जरूर करना, और मैं पूछूंगा भी कि आपको कोई नया पॉइंट पता लगा या नहीं, देखते हैं। बिल्कुल सच बोलना है और देखते हैं कौन कौन बच्चा कहेगा बाद में यस। फर्स्ट पॉइंट, अगर मेरे पास ये एक वायर हो, योर अटेंशन, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हो कैपिटल ए, और दोनों तरफ बराबर ही है, रेडियस है आर, तो आप सभी को पता है सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इस वायर का लेंथ है एल, और ये पर्टिकुलर मटेरियल की बनी हुई है, मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करते हुए एक ये पैरामीटर होता है जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, का एक नाम और भी होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके। और बेटे इसकी यूनिट याद रखनी है ओम मीटर, रेडियस की यूनिट मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। जब हम इसमें से करंट निकालेंगे तो करंट के रास्ते में ये कितनी रुकावट डालेगी, ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, वो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी रो एल अपॉन ए, याद रखना है। रेजिस्टेंस का आंसर इन यूनिट को पुट करने के बाद ओम में आएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कैपिटल जी से लिखते हैं, उसको कंडक्टेंस बोलते हैं, उसका यूनिट एस से लिखते हैं सीमन, SIEMEN। तीसरी बात, रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को सिग्मा से लिखते हैं, उसका आंसर होता है कंडक्टिविटी, उसको बोलते हैं, या उसको कंडक्टेंस बोलते हैं, इसकी यूनिट होती है साइमन पर मीटर, साइमन पर मीटर। फोर्थ पॉइंट, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की मल्टीप्लाइकेशन, और उधर से रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की मल्टीप्लाइकेशन वन ही होती है। गॉट इट। अगली बात, रेजिस्टिविटी सिर्फ दो, या कंडक्टिविटी भी, दोनों के दोनों दो ही चीजों पर डिपेंड करते हैं, कौन सा?
एक तो उनका नेचर ऑफ मटेरियल के वो कॉपर की बने हैं या एल्युमिनियम की बने हैं उस पे, और एक टेम्परेचर पे। एक ही मटेरियल की अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी होती क्या है? अगर मैं एक ऐसा क्यूब ले लूं, ध्यान से सुनो, मेटल का क्यूब जिसका ये वायर बना हुआ है, उसकी ये तीनों डायमेंशंस बराबर हों, तीनों डायमेंशंस इक्वल हो, यूनिटी हो, यूनिटी मैंने वन, और तब इसमें से जो मैं करंट पास करूंगा तो उस करंट का जो रेजिस्टेंस होएगा वो रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी। देखो, एल को भी वन पुट करना पड़ेगा, ए को भी वन, क्यों? तीनों के तीनों एजेस यूनिटी हैं। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द क्यूब हैविंग ईच एज इक्वल टू यूनिटी। ये था थोड़ा सा बेसिक। समझ आया आपको? नया पॉइंट पता लगा कोई? यस और नो? बोलो बेटे। जो नया पॉइंट पता लगा नोट कर लो। शाबाश, नया पॉइंट जो भी पता लगा नोट कर लो। और एक बात याद रखनी है, अगर हम इस वायर को गर्म कर देंगे और गर्म करने से पहले उसका रेजिस्टेंस इतना होगा, गर्म करने के बाद इतना होगा, तो ये ज्यादा होएगा इससे अपॉन हीटिंग। अपॉन हीटिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बहते हुए इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा रुकावट आने लगती है बहाव में। ये याद रखना बच्चे। और इन दोनों में अगर कोई रिलेशन मेरे से पूछना चाहे तो वो ये रिलेशन होते हैं, रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट लोअर टेम्परेचर जीरो पर, वन प्लस अल्फा टेम्परेचर राइज। डेल्टा थीटा को बोलते हैं टेम्परेचर राइज। पहले कितना था, बाद में कितना था डिफरेंस। अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर कॉफिशियंट। ये क्या होता है सर? टेम्परेचर कॉफिशियंट ऐसा पैरामीटर होता है जो मटेरियल के हिसाब से रेजिस्टेंस के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ रेजिस्टेंस, उसको बताता है टेम्परेचर कॉफिशियंट। कुछ भी नया पता लगा नोट कर लो, कुछ भी नया। जो पहले पता है वो मत लिखना, जो ऑलरेडी पता है डोंट वेस्ट योर टाइम देयर। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर वन ऑफ मॉड्यूल वन। मॉड्यूल वन पढ़ो। शाबाश। बोलो बेटे, बोलो। अगर ओहम्स लॉ का वो ग्राफ ले ले, सबसे पहले ओहम्स लॉ का ग्राफ देखो, ऊपर देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फोर में। क्वेश्चन नंबर फोर में वोल्टेज को ऊपर लिया है हमने वर्टिकल एक्सिस पे, करंट को इधर लिया, ये बनाया ओहमिक ग्राफ। अब अगर मैं यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं और ये भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, इस एंगल को मैं फाई बोल दूं, फाई, तो मैं आपसे टेन ऑफ फाई पूछूं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, आप बोलोगे सर जो नीचे वाली डॉटेड लाइन है उसको आप आई नॉट आई डैश बोल दो, और जो वर्टिकल एक्सिस है उसको वी डैश बोल दो, क्योंकि वो वोल्टेज के सामने है, यहां से देख लेंगे ग्राफ से कहाँ कट हो रहा है। तो फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वी डैश अपॉन आई डैश, लेकिन ओम्स लॉ के मुताबिक वी डैश इज इक्वल टू आई डैश आर डैश। इसको नीचे लाएंगे, वी डैश अपॉन आई डैश इक्वल टू आर डैश। तो ये वाली ब्रैकेट की वैल्यू अगर यहां से उठा के यहां रखेंगे तो हमारे पास आर डैश हो गया, और टेन फाई को मैथ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? स्लोप। किसका? ओम्स लॉ का। तो क्या आंसर होना चाहिए बेटे, बताओ? स्लोप ऑफ ओमिक कंडक्टर गिव्स, बोलो क्या? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर वन का सी पार्ट, रेजिस्टेंस। उम्मीद है समझ आया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं।
मैं चाहता हूं सेकंड क्वेश्चन, ये बच्चा है एक जरा 10th B का एक बच्चा, इसको बोर्ड पर आके पढ़ेगा रूबी, 10th B रूबी, माइक पे आओ बेटे प्लीज। टेंथ सर एब्सेंट है, इसी इसी क्लास में एक और बच्चा है, उसका नाम है तहजीब चौधरी, प्लीज कम। तहजीब चौधरी, बेटे आप सेकंड क्वेश्चन को पढ़ के जाओगे, शाबाश। सेकंड क्वेश्चन में आंसर देने की कोशिश करो सभी बच्चे। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकेंड्स वुड बी रफली. बिल्कुल सही। तो ये बच्चे ने, बेटे ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या पहले नहीं आ गया? तो यस इसको हम छोड़ देते हैं, ये हमने कर लिया ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए हैज रेजिस्टेंस आर। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 में मॉड्यूल सेकंड कह रहा है, एक अपने पास वायर है या सिलेंड्रिकल शेप में है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है, सारी तरफ बराबर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है और रेडियस है सॉरी रेजिस्टेंस है आर। अब पूछ रहे हैं अनदर वायर ऑफ लेंथ 2L। ओके, एक वायर है उसकी लेंथ है 2L। ओके, दुगना वायर कर दिया हमने, राइट, और उसका रेजिस्टेंस भी आर है। हम क्या करते हैं, इसके रेजिस्टेंस को आर डैश कह देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए डैश कह देते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, रो एल, एल की बजाय 2L कर दिया क्योंकि दिया ही इतना लेंथ हो है, अपॉन ए डैश। लेकिन ये रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो रो एल अपॉन ए, तो मैं इसको भी लिख दूंगा रो एल अपॉन ए। तो जब मैं इससे कटिंग करूंगा, रो और एल कट जाएंगे, तो 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 2 अपॉन ए डैश। और हमसे देखो पेपर में क्या पूछा है, ए डैश पूछा हुआ है, टेक इट टू दिस साइड, टू दिस साइड, ए डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रीवियस कंडक्टर। ठीक है बेटे, एक चीज आपने नोट करी, टीचर ने दोनों कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी सेम ले ली है और काट भी दिया है, कोई बताएगा क्यों सेम लिया है मैंने? हाँ, Because the material is same. बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज क्लियरली मेंशन इन द सेकंड लाइन द सेम मटेरियल। अगर ये ना दिया होता सेम मटेरियल, तो मैंने रेजिस्टिविटी को सेम नहीं लिया होता। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन बना सी। हैव यू अंडरस्टूड इट बेटे? बेटे देखो फिर आपको बोलना है, राइट हैंड खड़ा करके बोलना है, हैव यू अंडरस्टूड इट? यस शाबाश। अब हमारे पास केस स्टडी है और केस स्टडी को मेरे को मदद करेगा एक बच्चा पढ़ने में। 10th C का एक बच्चा आएगा दीपिका, दीपिका 10th C। यस सर बेटे आपने ना इस पैराग्राफ की स्टेटमेंट को ऊंची आवाज में पढ़ना है, बाकी बच्चे पर्सनल पढ़ेंगे। शाबाश। The obstruction offered by a conductor in the path of the flow of current is called resistance. The SI unit of resistance is the ohm. It has been found that the resistance of a conductor depends on the temperature of the conductor. As the temperature increases, the resistance also increases. But the resistance of alloys like manganese, constantin, and nichrome is almost unaffected by temperature. The resistance of a conductor also depends on the length of the conductor and the area of the cross section of the conductor. More be the length, more will be the resistance. More be the area of cross section, less will be the resistance. बहुत ही बच्चा, बहुत ही बढ़िया, बैठो शाबाश। मैं इसका सभी का मीनिंग समझाऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले आप इसी पैराग्राफ की सबसे लास्ट लाइन में आ जाओ। सबसे लास्ट लाइन पैराग्राफ में वाइल लिख रखा है, वाइल,
इसको विल कर दो बच्चे, विल कर दो, शाबाश, ठीक है। और इसी पैराग्राफ में ऊपर से फोर्थ लाइन पे आ जाओ, बिल्कुल सेंटर में, ऊपर से फोर्थ लाइन में एक वर्ड लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंटिन। इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको लिख दो कॉन्स्टेंटन, आई की बजाय ए कर दो। ये दो थोड़ा सा सही कर लो आप, ओके। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बताया, ध्यान से सुन लो। कह रहे हैं कि अगर ये वायर है ना मेटल्स की, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, तो इसका रेजिस्टेंस है रो एल अपॉन ए। दूसरी बात उसने बोली, इसका टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन उसने बोला कुछ एलॉयज हैं, अलॉयज क्या होता है, मिक्सचर ऑफ स्पेसिफिक मेटल्स। उसमें उसने कॉन्स्टेंटन बोला, मैंगनीन बोला, नाइक्रोम बोला। कहता इनके केसेस में टेम्परेचर बढ़ भी जाए तो रेजिस्टेंस लगभग कांस्टेंट ही रहता है, ये उसने बोला। और ये कहता है साथ में ये बताया कि जितना ये इसका लेंथ ज्यादा होएगा उतना इलेक्ट्रॉन्स को लंबा रास्ता ट्रेवल करना पड़ेगा, तो रास्ते में उसके क्लायंस दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराव ज्यादा होंगे, इसलिए लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। फिर उसने बोला कि अगर कंडक्टर मोटा ले लेंगे इसकी बजाय, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, तो उनकी नंबर ऑफ कोलियंस, कोलियंस मैंने टकराव, कम हो जाएंगे आपस में, जिससे वो आसानी से निकल पाएंगे। इसका मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम होगा। फिर ये इस पैराग्राफ में सब कुछ बता रखा। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायर्ड इन द मटेरियल बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। कौन सा मटेरियल इसमें नहीं चाहिए, कौन सा करेक्टर नहीं चाहिए इलेक्ट्रिक वायर्स में? हाई रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही, क्योंकि वायर्स का काम ही करंट लेके जाना है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा बेटे, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा करंट नहीं लेके पाएगी। इसका मतलब है अनडिजायरेबल करेक्टर फोर्थ क्वेश्चन में भी है। आपने देखा जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन से घरों तक तारें करंट लेकर आती हैं, सड़कों पे मोटी मोटी वायर्स दिखती हैं, वो किस मटेरियल की बनी होती हैं? एनीबॉडी? ओवरहेड केबल्स। वो बनी होती हैं हमेशा एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम इज ए गुड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस लो है उसका। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टू वायर्स आर शोन। याद रहे इसने करंट को वर्टिकल एक्सिस पे कर दिया, ध्यान रखना है पेपर में करंट वर्टिकल एक्सिस पे है कि हॉरिजॉन्टल पे, इसमें गलती करवा देता है। बेटे सुनो, इसने करंट को वर्टिकल एक्सिस पे रखा और वोल्टेज को इधर, और हमारे को दो ग्राफ दिए हैं ए और बी। पहले हम इसी से समझते हैं, सिंगल ग्राफ से। टीचर ने यहां पर थीटा लिया था और आपको ट्रायंगल बना के बताई थी पुराने क्वेश्चन में। अगर करंट वर्टिकल एक्सिस पर होता है, अगर करंट वर्टिकल एक्सिस पर होता है, तब स्लोप का रेसिप्रोकल हमें रेजिस्टेंस देता है, ये याद रखना। अब हमारे क्वेश्चन में उसने दो ग्राफ दे रखे हैं, एक दे रखा है ऊपर वाला सिंबल है बी, इसका सिंबल है ए। तो हमें पता लग गया थीटा ए छोटा है, थीटा बी बड़ा है। इसका मतलब अगर मैं इसी फार्मूले को यूज करके आर ए लिखूंगा तो वो बनेगा 1/tan θ a। थीटा ए छोटा है बी के मुकाबले, तो जब थीटा ए छोटा है तो डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो रेजिस्टेंस बड़ा हो गया। आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, और आपको पता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है मेटल्स में, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसका मतलब है जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा उधर टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो कौन से ऑप्शन को टिक करोगे, बोलो जल्दी से बोलो। बी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन को टिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें स्टार लगा लो बेटे,
कोई भी एक्सपीरियंस टीचर इसको डालेगा पेपर में, क्योंकि इसमें तीन कॉन्सेप्ट आ गए हैं, ओम्स लॉ आ गया इसमें, स्लोप का कॉन्सेप्ट आ गया, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आ गया, ग्राफ को स्टडी करने का कॉन्सेप्ट आ गया। तीन तो मेन कॉन्सेप्ट आ गए एक क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वायर इज डिवाइडेड इनटू फाइव इक्वल पार्ट्स और वायर के टोटल 20 ओम रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में 20 ओम रेजिस्टेंस है इसका मेन, और इसको पांच हिस्सों में काट दिया बेटे, 1 2 3 4 5, पांच हिस्से। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट नेचुरली उसका 1/5 जाएगा ना, अगर पांच हिस्सों में डिवाइड कराया तो एक रेजिस्टेंस का पार्ट छोटे वाले का तो कितना, बोलो कितना आएगा? 4 ओम फोर ओम। कौन सी ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन? ए ए ऑप्शन। लेट्स मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन। ए टॉर्च बल्ब बेन कोल्ड, जब वो ठंडा है तो 1 ओम रेजिस्टेंस है एंड इट ड्रॉज 300 mA, और अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ग्लोज फ्रॉम ए सोर्स, बेटे ये 3 3 एम्पियर लिख दिया ना इसने, इसको 3 वोल्ट कर दो, 3 वोल्ट होता है सोर्स। ओके तो क्या बोला, रेजिस्टेंस कितना? 1 ओम। वोल्टेज कितनी? 3 वोल्ट। करंट कितना? 300 mA। कैसे बोला? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हेन ग्लोइंग एंड एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द रेजिस्टेंस। ये मेनली इसमें यही है, ये बल्ब क्यों ग्लो करता है, कोई बच्चा बताएगा? ये बल्ब क्यों ग्लो करता है बताओ, बल्ब क्यों ग्लो करता है बेटे? ये देखो, H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, जब भी करंट निकलेगा तो हीट के साथ साथ रोशनी भी तो देगा, देगा देगा कि नहीं देगा? तो आप बोलोगे बल्ब ग्लोज ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और भी अच्छा आंसर हो जाएगा, ड्यू टू हीटिंग एंड लाइट इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट हीटिंग एंड लाइट। ओके क्वेश्चन नंबर एट, द करंट इन ए वायर इज 9, करंट बताना। क्वेश्चन Sir, we नंबर have to explain why the resistance is different. So, can we वह write, वह किसमें बेटे? sir, in question 7th? द रीजन फॉर द डिफरेंस इन द रेजिस्टेंस। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? Sir, then if the temperature increases, the resistance also increases. हाँ जी ठीक है। That's why when it was cold, it was the resistance was 1 ohm, and when it was glowing, the resistance was 10 ohm. हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। तो आप इसमें बस हीटिंग इफेक्ट को अंदर लेकर जाना है बस, और कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ओम्स ला कर लिख देना। क्वेश्चन नंबर एट, द करंट इन द वायर इज 900 कूलम चार्ज है बच्चे, क्यों कितना? 900 कूलम, और टाइम टाइम कितना है? 10 मिनट, और करंट पूछा हुआ है, तो क्या करंट का फार्मूला ये नहीं लग जाएगा? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, लेकिन मिस्टेक क्या है? तो ये मिनट है, 900/60 आना चाहिए इंटू 10, तो 1.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर नाइन बताओ, क्वेश्चन नंबर नाइन में, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्या हमने कर नहीं लिया? नहीं करा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल करा इस पर। क्वेश्चन नंबर नाइन, हम सभी को पता है कि रेजिस्टेंस का स्टैंडर्ड फार्मूला है रो एल अपॉन ए, तो अब उसने क्या करा है, उसी मटेरियल की वायर ले ली है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया, लेंथ सेम कर दी। ओके नया रेजिस्टेंस आ जाएगा,
और लेंथ उतनी है, मटेरियल सेम है, दोनों उतने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल डबल कर दिया पहले वाले का। तो इसको मैं अगले स्टेप में ऐसे लिख सकता हूं, रो एल अपॉन ए, हाफ को बार कर दिया, और गौर से देखो इस लूप की वैल्यू ये ब्रैकेट में डाल दी, तो नया वाला रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस का हाफ हो जाएगा। ओके, कौन सा ऑप्शन सही करोगे आप? अच्छा एक बात इसमें गड़बड़ कर दी इसने, क्वेश्चन नंबर 9 में ये गड़बड़ कर दी है बेटे, इसकी वर्डिंग को ठीक करो, इसकी वर्डिंग को ठीक करो। जो इसमें लिखा हुआ है ना, लेंथ रिमेनिंग सेम, लेंथ रिमेनिंग सेम है ना बेटे, ये मेरा ख्याल काटना पड़ेगा। 9th क्वेश्चन में गड़बड़ कर दिया इसने लैंग्वेज में, देखो वरना तो ये ऑप्शन ही नहीं है। तो आपने क्या करा, ध्यान से सुनो, ये एक वायर थी, उसने आपको दोनों तरफ से हमने दबाया दबाया, तो ये सेंटर से डबल मोटी हो गई है, तब होएगा क्वेश्चन ये। ये नया वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए पुराने वाले का डबल है, लेकिन नई वाली लेंथ नहीं पता हमें कितनी है, पुरानी लेंथ एल है, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगा। अब करके देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो नया वाला रेजिस्टेंस आएगा रो एल डैश अपॉन ए डैश, गॉट इट? पुराने वाला रेजिस्टेंस कितना है, आर रो एल अपॉन ए, नया वाले में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा बेटे, तो आर डैश अपॉन आर, रो से रो कट, ए से ए कट, तो क्या आंसर बना, एल डैश बाय 2 डिवाइडेड बाय एल, लेंथ नहीं अभी डिवाइड हुई क्योंकि दोनों की लेंथ अलग अलग है, तो एल डैश अपॉन एल साथ में हाफ आ गया। अब मेरे को एल डैश अपॉन एल की वैल्यू निकाल के लानी पड़ेगी। अब बताओ क्लास में जो बेस्ट बच्चा है उसको चैलेंज है मेरा, ये एल डैश अपॉन एल लेंथ कैसे निकाल के लाओगे जब इस वायर को ऐसे कंप्रेस कर? शाबाश, कौन बच्चा बताएगा? अब अगर कोई बच्चा बताए तो बेस्ट है क्लास में। लेंथ विल बी हाफ्ड। हाफ क्यों आएगी बताओ, ऐसा क्या चक्कर है? क्यों, ये तो कोई रूल नहीं है, अगर वायर को ऐसा पतला हाफ कर दिया दबाकर, वायर मोटी हो जाएगी तो लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा, तो वायर जो है अपनी वो आधी हो जाएगी, ऐसा कौन सा रूल है? लॉजिक रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। भाई वो तो मैंने लिखी, तभी तो ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन ये क्यों कैसे कह सकते हो आप, हाफ कैसे बोल दिया? देखो हाँ बोलो बोलो बोलो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। वो तो मैं मानता हूं, वो मैं मानता हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया मैंने, डबल पुट कर दिया बच्चे, लेकिन लेंथ को मैं नई वाली लेंथ को ओरिजिनल वाली लेंथ का आपने बोला हाफ पुट कर दो, ऐसे कैसे पुट कर दूं, कोई मेथड ही नहीं है ऐसा। तो सुनो आपने कोशिश करी, बड़ी अच्छी बात है, तो भी शाबाश है आपको, कोशिश तो करी, इसका सही लॉजिक नहीं दे पाए आप। ध्यान से सुनो इसका लॉजिक, लॉजिक सुनो, आप कहोगे सर उसी वायर को कंप्रेस करा है ना, मैंने कहा हाँ जी, तो मटेरियल तो उतना ही रहेगा ना, मैंने कहा यस, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल तो उतना ही रहेगा, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, मैंने कहा हाँ जी वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम जो है वो सिलेंडर का वॉल्यूम ही तो है, यस है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच पड़ा हुआ है मेंसुरेशन में, यहाँ पाई आर स्क्वायर एल लिख देंगे, यहाँ पाई आर डैश का स्क्वायर एल डैश लिख देंगे, लेकिन पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया सर्कल का, इसको ए एल लिखेंगे, इसको ए डैश एल डैश लिख देंगे, तो अब कहोगे सर आपको चाहिए क्या, एल डैश अपॉन एल, एल डैश अपॉन एल चाहिए, तो आप इसको इधर इसको इधर, तो आप कहोगे ए अपॉन ए डैश करो, मैंने कहा कर दिया, और ए डैश को इतना पुट कर दो, तब आप कहोगे सर हाफ, देखो नई वाली ये एल डैश अपॉन एल हाफ आएगा बेटे, हाफ एंड हाफ इज इक्वल टू 1/4,
तब निकलेगा आंसर। तो इसके अंदर हिडन कॉन्सेप्ट क्या था, दोनों को कंप्रेस करने से या स्ट्रेच करने से वॉल्यूम सेम रहता है, और मेंसुरेशन का चैप्टर आपने 10th में मैथमेटिक्स का कर रखा है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर लगाया हमने। क्लियर है बेटे, यस और नो? यस। क्वेश्चन नेक्स्ट, 10th क्वेश्चन। एक करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन ए सीरीज सर्किट कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक लंप एंड कंडक्टर ऑफ 5 ओम कनेक्टेड विद 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस निकालना है। कुछ नहीं है इसमें, कितना आएगा रेजिस्टेंस डायरेक्ट ही बताओ। अच्छा 1 एम्पियर भी पहले बता दिया। अच्छा अच्छा डबल है ये, नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, डबल है बेटे। लेट्स डू इट सर, टाइम हो गया। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th था। देखो बेटे, एक यहां पर लैंप लगा हुआ है और आगे एक और कंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है 5 ओम, इसका हमें पता नहीं है लैंप का, लेकिन एक बात है कि यहां से करंट जो जा रहा है 1 एम्पियर दे रखा है, और नीचे जो बैटरी है वो 10 वोल्ट की है, ठीक है बेटे। कह रहा है ये वाला रेजिस्टेंस बताओ। आपको कमिश इलेक्ट्रिसिटी के दो रूल्स पता होने चाहिए, अगर दो लोड सीरीज में लगे हों या तीन भी लगे हों तो मेमोरी टूल है SIS, सीरीज में करंट सेम रहता है मेमोरी टूल, और अगर ये पैरलर में लगे होते हैं बल्ब नीचे कंडक्ट फैन कुछ कुछ पैरलर में मेमोरी टूल, पैरलर में वोल्टेज सेम रहती है PVS, सीरीज में करंट सेम रहता है। इसका मतलब पक्की बात है, अगर ये करंट इधर ऐसे जा रहा है तो 1 एम्पियर ही इसमें गया, 1 ही इसमें गया, तो क्या करेंगे हम, दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड करेंगे, आर प्लस 5 टोटल रेजिस्टेंस, करंट कितना आई, और ये आ गया वी, तो वी इज इक्वल टू आई इंटू आर सर्किट, सर्किट में दोनों ऐड कर दिए। अब ये 10 वोल्ट, ये 1, ये आर, ये 5, तो ओपन करते ही 5 को इधर ले जाओ, आर इज इक्वल टू 10 माइनस 5, 5 ओम आएगा बल्ब का रेजिस्टेंस। समझ आया आपको, यस और नो बोलो? Yes. तो बेटे हमने देखो 3 क्वेश्चन आपके लिए बने हैं, 3 में से भी 12वां क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, 12th क्वेश्चन ग्राफ वाला, रेजिस्टिविटी कभी चेंज होती है? रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होती ना लेंथ से, तो कौन सा ग्राफ सही है 12th में? डी बेटे, 12th में डी ऑप्शन सही है, डी, रेजिस्टिविटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। 11th खुद करना, 13 देख लेते हैं, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड थिकनेस, नो गलत, 13 का assertion wrong है, 13 का reason, resistance depends upon the length and thickness of material, correct, 13 का लिख लो, assertion wrong, reason correct, 14 last question, a bird is sitting on the high power of the line and nothing happens to the bird is at equipotential, बिल्कुल सही, दोनों बातें सही हैं, assertion भी सही है, reason भी सही है, पक्षी को बिजली की तार पर बैठने पर इसलिए करंट नहीं लगता क्योंकि चार्ज उसकी बॉडी के ऊपर आ तो जाता है पर फ्लो नहीं करता, जब तक चार्ज फ्लो नहीं करता करंट नहीं बनता, और जब तक करंट नहीं बनता तो पक्षी मरेगा नहीं, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, पक्षी की सारी बॉडी के ऊपर बराबर का पोटेंशियल होता है, इक्वल प्लस पोटेंशियल को बनाया हुआ है इक्वी पोटेंशियल, लेकिन अगर इसी पक्षी की दूसरी पूंछ जो है, पक्षी बैठा हुआ तार पे, उसकी पूंछ लग जाए किसको, बारिश वाले दिन गीले गीले वृक्ष को टच कर जाए उसके पत्तों को, तब वो ग्राउंड हो जाएगा, फिर वो मर भी जाएगा पक्षी, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन आप खुद करोगे, ओके, ओनली 1 क्वेश्चन। सो हैव यू अंडरस्टूड टुडे? यस। अगर सभी बच्चों को समझ आया प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स लाइक दिस, that will be an indication for me.
गुड रेस्पॉन्स, थैंक यू सो मच। अरे